हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कॉलर नेक कुर्ती की स्टिचिंग करना बताएंगे। इसकी कटिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। पहले हम इस पर नेक बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से नेक की कटिंग करेंगे। नेक की विड्थ हम 3.5 इंच लेंगे, लेंथ भी हम 3.5 इंच ही लेंगे। और यहां से हम गुलाई पाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहां से हम इसका सेंटर करेंगे। ये हमने सेंटर कर लिया है। अब हम नेक को बुकरम के ऊपर कटिंग करेंगे। ये हमने बुकरम का पीस लिया है। पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। पहले हम यहां पर नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहां से हम लेंथ लेंगे नेक की 5 इंच। और यहां से हम शेप देंगे। और यहां से हम तिरछा कट करेंगे इस तरह से। और यहां से हम टोटल 1/2 इंच का गैप रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक हमारा इस तरह से आएगा। पहले हम इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे। नेक को हम इस तरह से लगाएंगे और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसका सेंटर करेंगे। और इसको हम कुर्ती के ऊपर लगाएंगे। नेक को हम यहां पर लगाएंगे इस तरह से। पहले हम सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहां पर सिलाई लगाएंगे।
ये हमने नेक लगा लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक हमारे इस तरह से आएगा। अब हम बैक और फ्रंट को अटैच करेंगे। बैक और फ्रंट को हम इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने अटैच कर लिया है, अब हम कॉलर का नाप लेंगे। और यहां से हम सेंटर करेंगे। कॉलर हमारा 14.5 इंच का बनेगा, इसको आपने खींच कर नहीं लेना है नाप। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। ये हमने बुकरम का पीस लिया है, पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। पहले हम यहां पर एक लाइन लगाएंगे। अब हम यहां पर जितना हमारा कॉलर है उतना लेंगे। टोटल हमारा कॉलर 14.5 इंच है, उसका आधा करेंगे 7.75 इंच। और यहां से हम 3 इंच लेंगे और यहां से पहले हम गुलाई देंगे इस तरह से। और यहां से हम अब जितना हमारा कॉलर है उतना रखेंगे, इसको हम इस तरह से मिनेंगे। और यहां से हम कॉलर की चौड़ाई 1.25 इंच रखेंगे। और यहां से भी इस तरह शेप देंगे। और यहां से एक बार दोबारा मिनेंगे हम अपना कॉलर। और यहां से हम थोड़ी सी गुलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इस कच्ची सिलाई को हम उधेड़ देंगे। कॉलर हमारा इस तरह से आएगा, पहले हम इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे। कॉलर को हम इस तरह से लगाएंगे, पहले हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे।
अब हम इस कपड़े को कॉलर के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने कॉलर को कपड़े के ऊपर लगा लिया है, अब इसको हम कुर्ते के ऊपर लगाएंगे। कॉलर हमारा इस तरह से आएगा। पहले हम कॉलर का सेंटर करेंगे। और कुर्ती के सेंटर से लगाएंगे। और यहाँ से ही हम सिलाई शुरू करेंगे। अब हम इसके इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने कॉलर लगा लिया है। अब हम इसका साइड अटैच करेंगे। यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने साइड अटैच कर ली है, अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
ये हमने बाजू बना ली है, अब हम इसको कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। कुर्ती के हम रॉन्ग साइड लेंगे और बाजू के हम सीधी साइड लेंगे और इसके फ्रंट गलाई से मिलाएंगे हम इस तरह से, और सिलाई से सिलाई मिलाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने बाजू लगा ली है और इसी तरह हम दूसरी बाजू लगाएंगे। ये हमने दोनों बाजू लगा ली हैं, अब हम नीचे फोल्ड करेंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने चाक बना लिए हैं, अब हम नेक के ऊपर लूपी लगाएंगे। इसको हम इस तरह से लगाएंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे। और यहां पर हम बटन लगाएंगे। कुर्ती हमारी इस तरह से आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।